हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डी के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहां राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डी के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूं जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फ़िल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डी के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस सौ चौरानवे से अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य तो चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आग बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहां राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फ़िल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डी के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूं जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फ़िल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूं जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस सौ चौरानवे से अगस्त उन्नीस सौ तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस सौ पंचानवे की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने दस फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहां राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने दस फेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहां राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटे सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डीडीएलजे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूं जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटे सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटे सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले वाले दुल्हनियाल ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और अरूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटे सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और चिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वह सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वह सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वह सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा है और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म बीस अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय हैं सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वह सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी इस के इर्द गिर्द घूमता है जहां राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा है और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहां राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी। दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वह सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपने बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम उन्नीस के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय हैं सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए या दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी पे प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फिल्म को देख सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे डीडीएलजे के रूप में जाना जाता है तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म आपको कहाँ पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म डी डी एल जे की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको यह आइडिया लग सकेगा कि यह फिल्म कैसी है और आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो अनुपमा चोपड़ा की किताब के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखें उन्नीस के गीत के लिए चोर मचाए शोर देखें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे शुरुआती डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस का एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पिता यश चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कथानक दो युवा अविनाशी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है ताकि युगल शादी कर सके लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है फिल्म की शूटिंग सितंबर उन्नीस से अगस्त उन्नीस तक भारत लंदन और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी दुनिया भर में दो मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी इसने दस फेयर पुरस्कार जीते उस समय की एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने दिल की बात को बढ़ावा देकर समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़ी है इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया जिसे उनके लिए अधिक आकर्षक माना गया इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें पैदा की और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज़ यू मस्ट बी बिफोर यू डाई में केवल तीन हिंदी फिल्मों में से एक थी दोस्तों अगर बात करते इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म के उत्पादित किया है यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की टोटल अवधि 190 मिनट की है और यह फिल्म 20 अक्टूबर उन्नीस को रिलीज़ की गई थी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट चार मिलियन था और इस फिल्म ने टोटल दो ट्रिलियन की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की थी तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी कास्ट की तो बता दें इस फिल्म में राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय है सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़वादी घर में पाला है जबकि राज को उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने पाला है सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है उसकी माँ लज्जू ने इसे खिलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे होते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत का पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है अजीत बीस साल पहले बलदेव और उन उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो सिमरन की शादी अपने बेटे कुलजीत से करवाना चाहते हैं तो यह फिल्म इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ राज और सिमरन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उनके पिता बलदेव सिंह ने अपनी बेटी सिमरन की शादी दूसरे अपने दोस्त के बेटे के साथ करने के लिए वादा कर रखा है तो ये वीडियो यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने यह फिल्म नहीं देखा है तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए यह दोस्तों और ये बता दूँ कि इस फिल्म को 2023 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाने लगा है फिल्म पठान के बाद इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई है शाहरुख खान की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से इस फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया है सिनेमाघरों में तो यह फिल्म अभी भी फरवरी में रिलीज किया हुआ है तो आप अपने नज़दीकी घरों में भी जाके देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म को अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर भी इस फ़िल्म को देख सकते हैं इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ जाके इस फ़िल्म को देख सकते हैं